गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अंजलि है। मैं वेस्ट पटना ब्रांच में एज ए ब्यूटी ट्रेनर हूँ, पूरे बिहार हैंडल करती हूँ। साथ ही साथ मैं तीन सेगमेंट देखती हूँ, मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मर 9 और ड्यू गार्डन के दिन, जो हमारे वुमेन के लिए सारे प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है। ये प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ब्यूटी का राज बताती हूँ कि हम सभी को क्यों सुंदर दिखना, और हम सभी सुंदर हैं। बट कलर कॉस्मेटिक्स में निखार लाने का काम करता है। जैसे आप कलर कॉस्मेटिक्स लगाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, आप कुछ भी बताने में सक्षम हो पाते हो, आसानी से हर चीजें को आप डील कर पाओगे बहुत अच्छे जब आप खुद में तैयार रहोगे। बट इसी तरह जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता, फिर हमारे हम जो बताना चाहते हैं वो हम खुलकर बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है मिस्टर ऑफ मिलान, जो हमें सुंदर बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। तो मिस्टर ऑफ मिलान जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो इस ब्रांड के मतलब क्या है। तो मिस्टर ऑफ मिलान तो मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा ये बता देना चाहूंगी, तो मिस्टर का मतलब होता है विंड ऑफ चेंज, मतलब जैसे आप मिस्टर के प्रोडक्ट को आप अप्लाई करते हो आपके अंदर चेंज आ जाती है, आप पूरी तरह से बदल जाते हो, आप में एक निखार आ जाता है अलग सा। ये मिस्टर के मतलब हुए। मिलान इटली की एक फेमस सिटी है जो फैशन कैपिटल ऑफ के नाम से जान जाती है। जब आपको जो प्रोडक्ट दिए गए हैं वो इंडिया के स्किन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, कि इंडिया के स्किन जैसा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाया गया, जिससे आपके स्किन पर 100% किसी तरह के हार्म नहीं होंगे। मिस्टर ऑफ मिलान में तीन चीजें, अहम चीजें जो आपको बतानी है। सबसे पहले ये हमारे सारे प्रोडक्ट पैराबीन फ्री प्रोडक्ट हैं। दूसरा ये हलाल से सर्टिफाइड है। तीसरा ये क्रूडी फ्री प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, ये हमारे ब्रांड में ये अलग है, इसे दूसरों से अलग बनाती है। क्यों ये दूसरे से अलग? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे दूसरे चीजें में, जैसे पैराबीन का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया जिससे आपके स्किन पे हार्म हो, किसी भी तरह के हार्मफुल आपके स्किन पे नहीं होगा। ये तीन चीजें हमारे मिस्टर ऑफ मिलान है। नॉन कॉम्बिजनिक प्रोडक्ट से हमारा मतलब, हमारे जो पोर्स होते हैं वो उसको भरने नहीं देता है, हमारे पोर्स ओपन रखता है, जिससे हमारे स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक फ्लॉलेस लुक देता है, मतलब इसे आप अप्लाई करते हो तो एक नेचुरल फील होगा आपको, भारीपन आपके फेस पे नहीं लगेगा। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो हमारा फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट। फेस कैटेगरी को हम कैसे अच्छे से मेंटेन करें, तो स्टार्टिंग में मैंने पहले सेशन में बताया था, अपने फेस को मेंटेन करने के लिए स्किन फॉर्मर 9 के डी क्लींसिंग ऑयल, यूथ लेजर हाइड्रेशन, ये तीन प्रोडक्ट कंपलसरी रखे। इसे आपको अप्लाई करने के बाद ही कलर कॉस्मेटिक अप्लाई करेंगे तो एक फैंटेस्टिक लुक देगा, गॉर्जियस लुक आएगा, साथ ही साथ आपके स्किन को पूरी तरह से मेंटेन करेगा। तो जो प्रोडक्ट की हम बेसिक बात करते हैं, बेसिक में हमें डेली बेसिस पे क्या लगाने हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अपने स्किन पे ग्लो लाने के लिए, आपको सुंदर दिखने के लिए, खूबसूरत बनाने में जो अहम रोल फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट करते हैं वो है कंसीलर और फाउंडेशन। कंसीलर और फाउंडेशन आपके स्किन पे बेस देने का काम करता है। तो कंसीलर का काम क्या होता है, मान लीजिए जब हमने आईज मेकअप करते हैं, आईज पे बेस देने के लिए कंसीलर यूज करते हैं, उसके बाद हमने इस एरिया पे कंसीलर अप्लाई करते हैं, यानी हमारे जहां भी कहीं पे पैचेस है, कहीं दाग धब्बे दिख रहे हैं, तो कंसीलर उस पे उसको लगाने के बाद एक बेस दे देते हैं, हम उस दाग धब्बे पे तो एक बेस दे दिया जाता है। उसके बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। कंसीलर भी हमारे स्किन टोन पे आते हैं, जिनकी स्किन जैसे है, मान लीजिए जिनकी स्किन बहुत फेयर है, बहुत फेयर है, तो 1 नंबर के कंसीलर अप्लाई करेंगे। उनसे डीप है 2 नंबर, जिनके गेहुआ रंग का स्किन है वो 3 नंबर, जिनका पूरा स्किन डार्क दिखता है वो 4 नंबर के, सभी अपने अपने स्किन टोन से ही प्रोडक्ट अप्लाई करें। उससे क्या होगा, आपका स्किन से हैवी नहीं दिखेगा, एक नेचुरल लुक आएगा आपके स्किन पे। तो इसीलिए अपने स्किन टोन से ये प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं। एक कंसीलर के बाद, बेस देने के बाद जो आपको सेकंड प्रोडक्ट अप्लाई करना है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन ऐसे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा डेली बेसिस के लिए। आपने बहुत लोग ऐसे सुने होंगे कि फाउंडेशन डेली बेसिस में नहीं अप्लाई करना चाहिए, गल देगा आपके स्किन पे, तो आप सभी इसे डेली बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं।
एक्चुअली आपको पूरे फेस पे एक मैट फिनिश देता है, क्योंकि ये इंडिया के स्किन को देखते हुए बनाया गया है और आपके स्किन पे तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जब हम फेस के टेक्निक की बात करते हैं ना, तो हमारे स्किन में हमारे जो फेस के टेक्निक के प्रोडक्ट है इसमें कौन कौन सी चीजें इसे डाली गई कि हमारे स्किन के बहुत ज्यादा फायदा करेगा और इसलिए हम सभी के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले चीज हमारा जो स्किन का कलर होता है, सभी के स्किन के कलर अलग अलग होते हैं, तो हमारे जो क्रीम है स्किन टोन पे दिया गया है। मान लीजिए जिनके जैसा स्किन है वो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे, तो अपने अपने स्किन टोन के अनुसार ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो एक नेचुरल लुक देगा। तो हमारा जो फाउंडेशन है स्किन टोन पे है, अपने अपने स्किन टोन के कलर के अनुसार ये प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके साथ साथ हमारे इस फाउंडेशन में SPF 30 डाला गया, यानी धूप से बचने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें प्रोडक्ट डाले गए। साथ ही साथ इसे यूवी फिल्टर से तैयार किया गया है, पैराबीन फ्री है, मतलब कोई भी ऐसा केमिकल्स नहीं डाले गए जिससे आपके स्किन पे हार्म हो, क्रूरटी फ्री है, हमारे एनिमल से इसके टेस्ट नहीं हुए हैं, डीप मॉइस्चराइज रखता है, यानी इसमें डीप यानी आपके स्किन को पूरी तरह आपके फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे पूरी तरह से आपके स्किन पे मॉइस्चराइज, यानी एकदम पूरी सॉफ्ट रहेगा आपका स्किन, एक रेडियंस कलर देता है। जब इसे धूप में जाते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हमारा स्किन डार्क हो जाता है फाउंडेशन लगाते हैं तो धूप में, तो आप इसे डेली विजन में भी लगा के जाके देखेंगे तो ये आपको तो रेडियंस कलर देगा, स्किन आपके डार्क नहीं होने देंगे। तो अब हमारे फाउंडेशन में स्वीट आलमंड ऑयल यूज किया गया है, फिर बादाम के तेल को यूज किया गया। आप सभी को पता होगा बादाम का तेल स्वीट आलमंड कितना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। समझ में आ रहा है इतने तक आप लोग को? समझ में आ रहा है? ओके। फाउंडेशन पे जब हम अप्लाई करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें, तो हमारे फाउंडेशन में कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन ए एंड विटामिन बी है जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ये क्वालिटी है हमारे मिस्टर ऑफ मिलान के फाउंडेशन में जो आपको ध्यान रखने है, इसे आप जब यूज करेंगे तो आप फील होगा कि ये सारी चीजें हमारे मिस्टर ऑफ मिलान के फाउंडेशन में है और हम सभी को इसे यूज करेंगे तो बेनिफिट पता चलेगा, तभी से आप ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगे। जैसे मैं इसे यूज की हूँ तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें कैसे लगाओगे तो क्या अप्लाई होगा। मार्केट वाले आप जब फाउंडेशन लगा दो तो आपको कुछ हेवीपन फील होने लगता है, एक व्हाइट परत आ जाता है आपके स्किन पे, तो आप उसे डेली बेसिस में नहीं अप्लाई करते। हम मिस्टर ऑफ मिलान के फाउंडेशन को आप अप्लाई करते हो तो एक नेचुरल लुक देगा आपके स्किन पे, हेवीपन फील नहीं होगा, भारीपन नहीं लगेगा। तो जिससे आप डेली बेसिस में इसे लगाओगे तो आपके स्किन पे एक बहुत अच्छा निखार भी आएगा, आपके स्किन पे ग्लो भी देगा आपके स्किन पे। तो इसे हर किसी को इसे डेली बेसिस में अप्लाई करने एक परफेक्ट लुक देगा आपके स्किन पे। उसके साथ जब हम बात करते हैं तो और भी प्रोडक्ट की, तो हमारे पास फेस के टेक्निक में बेस देने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद फेस के टेक्निक में जो दूसरा स्टेप हम लगाते हैं वो है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, जो हमारे बेस देता है हमारे स्किन पे, एक स्ट्रक्चर देता है हमारे फेस पे। तो जो हम कॉम्पैक्ट पाउडर है, हमारे पास कॉम्पैक्ट पाउडर के बहुत सारे रेंज है। एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर जो बेस देने के लिए, टचअप देने के लिए हम लोग बीच बीच में रखते हैं, हम सभी को जो कैरी करने वाला प्रोडक्ट होता है वो है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, जो हम अपने साथ कैरी करते हैं। जो बीच बीच में क्या होता है ना, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग का मतलब बीच बीच में से 2-3 घंटे पे आपको पर्स में रखने हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, से बीच बीच में आपको टचअप देना है ताकि आपका मेकअप खराब ना हो, आपका लुक हमेशा उसी तरह दिखता रहे। तो कॉम्पैक्ट पाउडर का काम होता है आपके स्किन पे बेस देने का, आपके फेस पे बेस देने का, यानी जब भी 2-3 घंटे हो तो एक बार टचअप देते रहिए। तो आप जब हमेशा टीवी फिल्म में देखते होंगे कि बीच बीच में टचअप देने का, तो ये आपको बहुत अच्छा लुक देगा। बीच बीच में आप टचअप देंगे, कहीं भी आप मीटिंग है तो थोड़ा सा टचअप दे दिया और फिर हम कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं मीटिंग देते हैं, वो भी हमारे स्किन टोन पे है जो आपके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे पास एक और कॉम्पैक्ट पाउडर लॉन्च हुआ, पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर 007, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसमें हमारा SPF है, यूवी फिल्टर से इसे भी तैयार किया गया है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एयर पॉल्यूशन से हमें बचाता है।
तो सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है। साथ ही साथ हमारे इस पल कॉम्पैक्ट पाउडर में विटामिन ई है जो आपके स्किन को हेल्दी रखता है, आपके स्किन को एक बहुत अच्छा हेयर पॉल्यूशन से ही बचाएगा, एक लुक बहुत अच्छा देता है आपके। पल कॉम्पैक्ट पाउडर 007 जिसे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है 007 जिसका प्राइस डीपी प्राइस हमारा 490 है, 490 इसकी डीपी प्राइस है। साथ ही साथ आपने जिसे आप करते हो अप्लाई करोगे तो हाईलाइट करने का भी बहुत अच्छा एक लुक देता है, आपके स्किन को हाईलाइट भी करता है। उसके साथ साथ एक और फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो हमारे फेस कैटेगरी की एक ब्रश होता है जिसे हम अपने इस पोर्शन पे लगाते हैं, इस एरिया पे हम ब्रश अप्लाई करते हैं। जो आज के डेट में हम कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ब्रश डेली लगाने की चीज नहीं है, इसे हम अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे कहते हैं, बट मैं आपको बता दूं जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो हमारा ब्रश है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो फेवरेट प्रोडक्ट आपके लुक को, आपके स्किन को, आपकी लुक को ही पूरी तरह से चेंज कर देता है, आपको पूरी तरह से गॉर्जियस बनाएगा। जो प्रोडक्ट होता है वो है हमारा ब्रश, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इसे मैं मानती हूँ, क्योंकि इसे डेली बेसिस में आप अप्लाई करते हो तो आपके लुक को चेंज करता है। सबसे पहली चीज, जब आप इसे स्माइल करते हो, अच्छे से स्माइल देते हो, तो आपके स्किन पे ये जो पोर्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, आपको हेल्दी लुक महसूस कराता है कि आप इतनी खुश हो, इसे फील होती है कि आप कितनी खुश दिख रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज में हेल्दी लुक नजर आएगा, एक इंस्टेंट ग्लो आपके स्किन, जब आप कुछ भी आप सब कुछ अप्लाई किया उसे ब्रश आप नहीं लगाए हो और जब आप ब्रश अप्लाई कर लोगे तो आपका लुक चेंज हो जाता है, इंस्टेंट आपके लुक में चेंजेस नजर आ जाती है। दूसरे फायदे होते हैं, साथ ही साथ आपका स्किन एक यंगर स्किन दिखता है, यानी आपकी एज ज्यादा हो बट आप दिखने में कम लगते हो, जब आप इस एरिया को हाईलाइट कर देते तो यंगर लुक आपके स्किन पे आता है। साथ ही साथ ये आपके स्किन के लुक को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं मानती हूँ कि ब्लश हमारे स्किन टोन पे है नहीं होता है, कोई भी कलर जिसकी आप ले लो ये ऑल स्किन सुटेबल है, कोई भी कलर आप लीजिए, आप इसे आप अप्लाई करते एक लुक बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमारे पास 5 कलर है, मैं डेली बेसिस पे कहूँ तो 4 और 5 आप डेली बेसिस में ले सकते हो एज ए बेस्ट प्रोडक्ट है 4 और 5। इसके कलर एक इंस्टेंट रिजल्ट देता है, एक डेली बेसिस की कलर, ये दोनों कलर आप किसी को भी फर्स्ट टाइम दे दीजिए, दोनों कलर डेली बेसिस के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जैसे आप, क्योंकि हर इंसान जब हम लोग स्माइल कर रहे थे तो अच्छा लुक आता है हमारे स्किन पे, तो ब्लश हर किसी को अप्लाई करने है। ये प्रोडक्ट है हमारे फेस कैटेगरीज के, कैटेगरीज के बाद हमें क्या क्या और अप्लाई करने हैं। हमारे जो हमारे मेकअप की बात करते हैं, हमारे 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट होते हैं, फेस, आईज, लिप्स और नेल। तो हमने अभी जो बेस देने की हमारे जो प्रोडक्ट की बात किया मैंने, वो सभी बेस देने के लिए आपके स्किन पे एक बेस दिया, आपके स्किन पे एक बेस हो गया, आपके लुक चेंज हो गए। साथ ही साथ अभी का जो सिचुएशन है, हम सभी को मास्क लगा के रहना है, हम सभी को मास्क अप्लाई करने हैं। मास्क जो हम अप्लाई करते हैं तो हमारा अभी ये पोर्शन पूरा ढका हुआ रहता है, हमारे आईज पोर्शन दिखते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें हम लोग आईज मेकअप बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हमने आईज में मेकअप करनी है, हमें आईज मेकअप कैसे करेंगे। तो हमारे आईज मेकअप के लिए, आप आईज मेकअप की जब हम बात करते हैं ना, तो आईज मेकअप में हमारे पास आईज मेकअप के अलग अलग लुक होते हैं, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम डेली वेजेस की बात करें तो आईज में हमें क्या क्या अप्लाई करनी चाहिए, तो अभी का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आईज के अलग अलग मेकअप की टिप्स बताऊंगी, कैसे आप आईज मेकअप अलग अलग लुक में करोगे। मान लीजिए हमारे आईज कैटेगरी के प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है जो हम पूर्वजों से अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट होता है हमारा काजल। जो पूर्वजों से हम काजल लगाते हैं सभी लोग, और वो घर का बना हुआ हम काजल लगाते थे पूर्वजों से ही, और वो काजल घर का बना कैसा होता था, एज ए नेचुरल काजल होता था, जैसे ही हम अप्लाई किए वो हल्का स्मज होता था घर में। आज भी बच्चे को लोग घर का बना हुआ काजल लगाते हैं ताकि वो नेचुरल हो, आंखों पे कोई इन्फेक्शन ना हो किसी तरह का, तो वो काजल होता था हमारा फैल जाता था, तो हम बच्चे को पाउडर लगाते थे।
हम सब भी अप्लाई कर रहे, तो हमारे पास भी जो डीप डिफाइन काजल है वो नेचुरल काजल है, डॉक्टर से अप्रूव किया गया है कि इसको लगाने से आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे ये भी नेचुरल है, मतलब ये काजल जो हमारा डीप डिफाइन काजल है वो हल्का स्मज होता है, जब नेचुरल चीजें बात करते हैं तो वो हमारे हमेशा स्मज होता है। उसके बाद जो अभी का जो हम लोग का जो सिचुएशन होता है, और हम लोग के जो अब कहा जाए तो हम लोग इतने मॉडल हो गए, हम लोग आईज पे अलग अलग लुक देते हैं, तो अलग अलग कलर्स अप्लाई करते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग से, तो हमारे पास कलरफुल काजल भी आ गए हैं। ब्लैक के अलावा काजल हमारे पास ब्राउन, ग्रीन, पीकॉक ग्रीन, पर्पल कलर के काजल आ गए हैं, जो हम सभी अपने 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 अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। ओके, तो उसके अलावा साथ ही साथ हमारे पास कलर काजल भी है। कलर काजल है, कलर काजल में हमारे विटामिन ई है, ये भी हमारा जो काजल है ये भी इसमें भी विटामिन, हमारे जितने प्रोडक्ट है सभी आपको विटामिन को कार्बोहाइड्रेट विटामिन को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया, जो आपके स्किन के, आपके आईज के लिए, आपके लिप्स के लिए, ये सभी चीज के लिए परफेक्ट है। तो इसे आप डेली बेसिस में अप्लाई कर, जैसे मैंने यह पर्पल कलर के काजल अप्लाई कर रखा अपने आईज पे आई शेडो के तौर पे, तो हरियाणी हमारे लुक अलग अलग होते हैं। आप किस अकॉर्डिंग तैयार होना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे पास काजल के अलावा वाटरप्रूफ काजल भी लोगों को चाहिए, तो हमारे पास वाटरप्रूफ काजल में आईलाइनर पेंसिल है, जो हमारा वाटरप्रूफ काजल होता है, ये स्मज नहीं होता है, पेंसिल के तौर पे चाहो तो उससे आप काजल लगा लो, या फिर चाहो तो आप मैट फिनिश में आईलाइनर भी लगा सकते हैं। बट आईलाइनर के लिए मैं कहूंगी कि पेन वाला या लिक्विड वाला यूज करिए, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उससे आंखों पे लुक आते हैं, एक परफेक्ट लुक देता है हमारे आईज पे। तो हमारे परफेक्ट लुक देने के लिए हमारे पास आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर, पेन आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर, अपने आंखों पे आप जैसा लुक देना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसको आईलाइनर नहीं लगाने आता है, चाहता है कि हम भी अप्लाई आईलाइनर अप्लाई करें, तो वो पेन आईलाइनर यूज करिए, बहुत ही इजी वे में हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ हमारे पास कलरफुल आईलाइनर भी आ गए हैं, कलरफुल आईलाइनर है, ब्लू कलर की आईलाइनर, ग्रीन कलर की आईलाइनर आ चुकी है। लोगों के डिमांड बढ़ते जा रहे थे कि हमें भी कलरफुल आईलाइनर चाहिए, हम ब्लू चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, तो कंपनी ने उसे भी लॉन्च कर दिया है, आप उसे भी यूज करके देखिए एज ए। और हमारे सबसे अच्छा अच्छा चीज क्या है ना, ये हमारे वेस्टीज के ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर है, ब्लू और ग्रीन, आप लोग साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, तो एक परफेक्ट लुक भी देगा, आप उसके अकॉर्डिंग मेकअप कर सकते हो। तो हमारा जो साड़ी वेस्टीज के साड़ी का कलर है, उसके कलर के अकॉर्डिंग हमारे पास आईलाइनर भी लॉन्च हो गया, तो ये परफेक्ट होगा हमारे आईज मेकअप के लिए, हम उसे लगा के जाए कलर आईलाइनर। उसके साथ साथ ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आंखों के लिए क्या होता है, मस्कारा। ये एक ऐसी आईलेस जो हमारी चीज होती है ना, ऐसे परफेक्ट लुक, जैसे आप मस्कारा अप्लाई करते हो कि आपकी आईलेस बड़ी बड़ी दिखने लगती है, एक बहुत अच्छा लुक देता है। बिना आप मस्कारा लगाए आपके आईज पे लुक परफेक्ट नहीं आता है, तो मस्कारा जब आप अप्लाई कर लेते हो आपके आईलेस बड़े बड़े दिखते हैं, आपका लुक बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे आईज कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स। डेली बेसिस में आईज मेकअप करना है तो मैं कहूंगी कलर आईलाइनर, अगर साड़ी पहन रहे हो वैसे इसके ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो कलर आईलाइनर ब्लू और ग्रीन लीजिए, उससे आप दोनों कलर से आईलाइनर अप्लाई करिए एक साथ, एज ए परफेक्ट लुक देगा। उसके बाद आपको आईज में बेस देने के लिए कंसीलर अप्लाई कर लेने, कंसीलर अप्लाई करने के बाद हल्का सा फाउंडेशन डिप किया, और उस पे आप चाहो तो कलर काजल से भी लगा सकते हो। अभी हमारे पास एक और आ गया था आई साइडो स्टिक, उससे एक गोल्डन आ गया, उसको हल्का सा अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आईलाइनर लगा लीजिए, एक हल्का सा चमक होगा। या फिर टॉप कोट लिपस्टिक जो हमारे पास था गोल्डन और सिल्वर, उसको भी आप आईज पे लगा के हाईलाइट करने के बाद आईलाइनर लगाइए डेली बेसिस पे, वो भी परफेक्ट लुक देगा। और जो अच्छे से पूरे आईज मेकअप करना चाहते तो फिर तो हमारे पास आई शाइडो है ही, जिससे आप आईज मेकअप कर सकते हैं। हमारे पास आई शाइडो का तीन कलर है, तीन कलर में डब्बे में है, एक डब्बे में तीन कलर है। जो डार्क कलर है, मान लीजिए हम ब्राउन शेड का लगा रहे हैं, तो डार्क कलर हम कॉर्नर वाले एरिया पे अप्लाई करेंगे, लाइट इस बीच में हाफ में, और उससे जो सबसे लाइट कलर है हम अपने इस पोर्शन पे अप्लाई करते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो आई शेडो भी हमारे पास है आईज मेकअप के लिए परफेक्ट, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, उसके बाद हमने फेस कैटेगरीज के बात कर लिया,
आईज के टेक्निक की बात करें तो हमारा मेकअप का जो अहम रोल होता है, जो हम पहले से स्टार्टिंग से सभी लोग उसके चेहरे से होते हैं, हमारे लिप्स के टेक्निक के प्रोडक्ट, हम लिप्स में क्या क्या अप्लाई करें, लिप्स आज पूरे देश की बात की जाए सभी जगह से, लोग सबसे ज्यादा जो अपने मेकअप करते हैं वो लिप्स जरूर लगाते हैं। हम अपने लिप्स पे सबसे ज्यादा नहा लिया कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ एक लिपस्टिक लगा लिया, लुक चेंज हो जाता है, हम गॉर्जियस दिखने लगते, अलग दिखते हैं। सिर्फ लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा दूसरों से अलग बनाता है, हमें हमारे लुक को चेंज कर देता है, हमें अपने आप में अलग दिखाता है। तो एक जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं लोग चेहरे के प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा लिप्स कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है। लिप्स कैटेगरीज में हमारे पास बहुत सारे रेंज है, बट हमारे जो लिप्स है ना सभी के लिप्स एक जैसे नहीं होते हैं, यानी हर लिप्स को एक लुक देने, लिप्स का एक जो लाइनिंग होता है, हमारे लिप्स कैसे होने चाहिए एक परफेक्ट लुक देने के लिए लिप लाइनर का हमें यूज करना होता है। लिप लाइनर जिससे आप अपने होठ को फिर शेप दोगे, हमारे होठ कैसे, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के होठ इतने पतले होते हैं कि लिपस्टिक कैसे लगाएं समझ में नहीं आया, ब्राइडल मेकअप करना है इतने पतले कि उनका होठ पे लिपस्टिक ही अच्छे से ना अप्लाई, तो लिप लाइनर से हम अपने लिप के एक और नीचे आप देखोगे एक लाइन है वहां से लाइनिंग करते हैं, उसके बाद होठों का एक शेप देते हैं लिप लाइनर से, उसके बाद एक परफेक्ट लिपस्टिक कोई भी अप्लाई कर देते हैं लुक आता है। तो हमारे पास लिप लाइनर के चार कलर हैं, रेड, मरून, पिंक और ब्राउन, ये चार कलर है। इस चार कलर में आप लिप लाइनर एक लाइनिंग अपने होठ पे शेप दे दीजिए, उसके बाद एक लुक आएगा कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। हमारे लिप लाइनर में भी विटामिन ई है, विटामिन सी डाला गया है लिप लाइनर में, तो इज इट परफेक्ट था हमारे सारे में। आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, सभी में कुछ ना कुछ विटामिन है ही हमारे, तो हमारे लिपस्टिक की हमारे लिप्स को सही रखने के लिए भी इसमें लिप लाइनर में विटामिन ई है, विटामिन सी है, जो आप अपने होठों को शेप देंगे। उसके साथ साथ हमारे पास लिपस्टिक के बहुत सारे रेंज है। सबसे पहले जो हमारे पास लिपस्टिक की रेंज है वो है हमारा सबसे कम प्राइस की रेसिपी में, सबसे कम प्राइस की जो हमारे पास लिपस्टिक है वो है क्रीमी मैट लिपस्टिक, जिसमें आप देख सकती हो 30 शेड्स दिए गए हैं, 30 कलर है इसमें हमारे पास। क्रीमी मैट जो आपकी लिपस्टिक है गोल्डन मैट फिनिश देता है ये आपके लिप पे। साथ ही साथ हमारे इस लिपस्टिक में और क्या चीजें डाली गई तो आप इसमें देख सकते हो, SPF 15 इसमें यूज किया गया है, SPF 15 डाले गए हैं, विटामिन ई है, विटामिन ए है हमारे इस लिपस्टिक में, सिया बटर यूज किया गया है। जो सिया बटर का काम क्या होता है, वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। इसमें 30 कलर है, 30 में से कोई भी कलर आप अप्लाई करते हो तो सभी कलर इंडिया के स्किन के अकॉर्डिंग चलते, यानी सभी कलर हम सभी पे सूट करेगा, कोई भी कलर आप ले सकते हो। लिपस्टिक एक ऐसी चीज है ना आप अपने पसंद के अनुसार लेते हो, साथ ही साथ हमारे लिपस्टिक के इतने कलर होने चाहिए कि हम पार्टी के ओकेजन अपने कलर लगाएं, फेस्टिवल में हम किस फेस्टिवल में क्या आप अप्लाई करते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम मार्केट जा रहे तब हम कौन सा कलर अप्लाई करें, मीटिंग देने जा रहे तब हम कौन सा कलर अप्लाई करें। इसमें 30 कलर है, सभी हम सभी लगा सकते हैं और अपने अपने ओकेशन के अनुसार आप कलर को अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट लुक बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लिपस्टिक भी लॉन्च हुई थी 360 के बाद हमारे पास, उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ मैं जो शो कर रही हूँ वो है हमारा लिक्विड लिपस्टिक जो 560 का है, जो लॉन्ग लास्टिंग है। बट इतना इसके अलावा भी लोगों का चाहता ना कि हमारे पास कम प्राइस में लिक्विड लिपस्टिक मिले और साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग हो और एक शाइनिंग भी हमारे लिपस्टिक में हो, तो कंपनी ने आप सभी की डिमांड को रखते हुए हमारे लॉन्च किया था जो लिपस्टिक लिप लस्टर हाई सी लिप लस्टर लिपस्टिक, जिसमें हमारे पास आप देख उसमें हमारे पास 8 कलर है जिसकी वीडियोज भी आप लोग को मिला होगा। उसमें आपको ये 380 की लिपस्टिक है जो लिक्विड में ग्लॉसी लिपस्टिक जो मैं अभी अपने लिप्स पे अप्लाई भी की हूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है साथ ही साथ लिप्स पे शाइनिंग भी देता है, चमक भी देता है। उसके बाद हमारे पास लिपस्टिक की सबसे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक यानी मेरी फेवरेट या बहुत सारे लोगों की ये लिपस्टिक बहुत ज्यादा फेवरेट लिपस्टिक मानी जाती है कि हमारी सबसे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है लिक्विड लिपस्टिक, जो एक बार सुबह में हम उन्हें अप्लाई कर लिया और ये नाइट तक हमारे लिप्स पे रहेंगे। जो हमारी लिपस्टिक है वो है लिक्विड लिपस्टिक जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है।
इसमें हमारे पास 24 कलर है। इसकी कलर कहा जाए तो सभी कलर बहुत ही फैंटेस्टिक कलर है, बहुत ही अच्छा कलर। इसमें आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग का चाह रहता है कि हमें रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर के कलर होते हैं हमारे 5 नंबर, जो रेड वेलवेट है। उससे हल्का चाहिए पिंक मरून टाइप की कलर चाहिए तो 6 नंबर ले सकते हैं। एकदम गोल्ड पिंक चाहिए 9 नंबर ले सकते हैं। उसे डार्क चाहिए 22 नंबर ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं लाइट पिंक के लिए। और बहुत सारे लोगों की तो मरून कलर चाहिए। ऐसी कलर लॉन्च जो हमारी फर्स्ट कलर लॉन्च हुई थी 24 नंबर, जो डीप मरून कलर है, ये भी कलर आप ले सकते हैं, जो हमारी 24 घंटे स्टे करती है हमारे लिप्स पे। उसके बाद हमारे पास और भी लिपस्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस दिखाया है। अभी लॉकडाउन में यहाँ बहुत सारे ऐसे लेडीज होंगी जो घर में बैठती है, बोलती कुछ लिप्स पे अप्लाई नहीं कर रहे। और मैंने जो ब्रांचेस में लोग आते थे, मैंने वहां से पूछा, तुम बोले घर में खुद रहती हूँ तो कुछ नहीं अप्लाई करते, तो मेरे फेस खराब हो गए, मेरे लिप्स खराब हो गए हैं, लिप्स में ड्राई लगता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, अपने बाथरूम में कम से कम एक लिप ग्लॉस जरूर रखिए, नहाने के बाद अपने लिप्स पे से अप्लाई कर लीजिए। आपके लिप्स के मॉइस्चराइजर लेवल को ये बनाए रखेगा, आपके लिप्स के मॉइस्चराइजर लेवल को खराब होने नहीं देगा। तो ये भी परफेक्ट प्रोडक्ट है, आप इसे 2 टाइम्स अप्लाई करिए, डे एंड नाइट दोनों टाइम। अगर लाइट कलर लिया एक नाइट में सोते वक्त लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिए, आपके लिप्स को पूरी तरह से मॉइस्चराइज रखेगा एज ए मॉइस्चराइजर के तौर पे। एक हल्की सी चमक भी होती है, जो लोग लिपस्टिक नहीं लगाते हैं वो लोग फिर से अप्लाई करिए, क्योंकि लिप ग्लॉस से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सोच लगेगा और अच्छा कुछ लगाए तो फिर आप लिपस्टिक भी लगाने लगोगे। उसके बाद हमारे पास लॉन्च हुआ कंपनी में एक लिपस्टिक में 2 कलर। ऐसे हमारी बिहार के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे बिहार में लोग एक लिपस्टिक खरीदते हैं और सालों चलाते हैं। एक लिपस्टिक लेते हैं, सालों लगाते हैं, एक ही लिपस्टिक कहीं जा रहे हैं वो लगा रहे हैं। तो ये एक जो लिपस्टिक है डुअल टोन लिपस्टिक है, जो परफेक्ट लिपस्टिक होगा। इसे आप डे में एक अलग कलर लगा सकते हो, नाइट में अलग कलर लगा सकते हो। 2 कलर आपको मिला, यानी एक लिपस्टिक में 2 कलर लॉन्च हुआ है, जिसमें आप चाहे तो 4-5 कलर बना सकते हो कलर के ऊपर कलर लगा के। ये परफेक्ट प्रोडक्ट होगा हम सभी के लिए कि एक लिपस्टिक में 2 कलर मिल गया, 2 कलर कंपनी ने दिया, 4 कलर हम खुद से बना ले। तो ये भी एक बेस्ट प्रोडक्ट होता है डुअल टोन लिपस्टिक। उसके बाद आप लोग एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, एक गोल्डन कलर का सिल्वर और गोल्ड कलर के जो दिख रहे हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर, जो मैं बात कर रही थी आईज में, अपने आईज को हाईलाइट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करने चाहिए लाइट वे में। तो एक गोल्डन और जो सिल्वर है, ये दोनों आप ले सकते हैं। आईज पे इसे आप हाईलाइटर के तौर पर अप्लाई कर सकते हो, इसे हाईलाइटर के तौर पे अपने नोज पे अप्लाई कर सकते हो, चिक पे अप्लाई कर सकते हो, लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो। मल्टी काम है इस प्रोडक्ट का। 2 कलर में हमारे पास लॉन्च हुआ ब्रॉन्ज और सिल्वर, 2 कलर बहुत परफेक्ट है हमारे आईज मेकअप के लिए भी। कहीं भी आप हाईलाइटिंग करना चाहते हो, तो लोग अभी के जो डेट है ना, लोग हाईलाइटर चाहते हैं कि हमें हाईलाइटर मिलेगा क्या, तो आप वहां पे दे सकते हो सिल्वर कलर की लिपस्टिक या फिर गोल्ड, दोनों लाइट वेट में है तो बहुत अच्छा एक कलर देता है। उसके बाद मैट फिनिश में लोगों को चाहिए कि हमें स्टिक में भी चाहिए, तो कंपनी ने लिपस्टिक और लॉन्च किया जिसमें आप देख सकते हो लिप चवी के नाम से जो मैट फिनिश देता है, लिप चवी लिपस्टिक मैट फिनिश लिपस्टिक है ये हमारी। इसमें हमारे पास 6 कलर है, 6 अपने अपने सभी कलर आपसे अच्छा लगेगा, कोई भी कलर आप अप्लाई कर दो। अगर रेड की बात करें तो 6 नंबर हमारा रेड है, और लाइट डार्क पिंक की बात करें तो 1 नंबर हमारा डार्क पिंक कलर के, और लाइट कलर भी दिए गए हैं, तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैट फिनिश देता है, ये कम से कम 5 से 8 घंटे आपके लिप्स पे रहेंगे, मैट फिनिश देगा ये। आईज कैटेगरीज के बारे में जो बात किया था मैंने, लिक्विड आपको आईलाइनर दिख रहा है, पेन काजल पेंसिल हमारे पास, कलर काजल और मस्करा जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आई शेडो इस तरह से मैंने जो आपको बताया 3 कलर में रहते हैं। आप डार्क पहले कलर लगाएंगे, फिर लाइट और हल्का कलर से आप ऊपर हाईलाइट करेंगे। फेस कैटेगरीज के बारे में जो हमने बात किया था, कंसीलर और फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर 0, और उसके अलावा हमारे पास है
पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे एक लूज पाउडर भी है जो गर्मियों में परफेक्ट होता है। ब्लश के ये कलर आप देख सकते हो, कोई भी कलर आप देख सकते हो, ऐसे परफेक्ट है हमारे चिक को हाईलाइट करने के लिए, आपको हेल्दी बनाने के लिए, आपको यंगर दिखाने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेल के देख स्किन प्रोडक्ट। नेल में हमें कोई मेहनत ही नहीं करना होता। नेल पॉलिश के लोग, नेल पेंट के लोग पहले से ही शौकीन होते हैं, लोग स्टार्टिंग से ही इसे अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं होता है। लोग किसी को भी आप एक बार बता दो कि हमारे पास नेल पेंट है तो कुछ ना कुछ एक नेल पेंट जरूर कर देगा कोई। तो इसमें हमारे पास थ्री अल्ट्रा स्टे में ये कलर है हमारे पास। उसके बाद लोगों को चाहिए मैट की, जिसमें हम मैट फिनिश भी चाहिए तो हमारे पास मैट कलर भी है। 33 से 38 तक मैट फिनिश कलर दिया गया है, जिसपे लगाएंगे तो चमक नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको दिया गया है जो नेल लेकर, इसमें शाइनिंग होती है, जो इसमें हमारे पास 7 कलर है। उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारे जो नेल पेंट है वो कम से कम 15 दिन तक, हमारे 10 से 15 दिन नेल पे रहते हैं। तो अब लोगों को चाहिए कि हम 10 से 15 दिन तो उसे निकालना भी चाहते हैं, कि पूरी तरह से उसे रिमूव करके हम लोग कलर चेंज भी करते हैं। तो आपके नेल रिमूवर एक ब्लैक कलर के डब्बे में दिया गया, उसमें अपने उंगली को डिप करो और बाहर निकालेंगे अपनी उंगली को, तो नेल से देखेंगे नेल पेंट सारा निकल जाएगा। मेकअप को पूरी तरह से निकालने के लिए मेकअप प्रोफिक्स हमारे पास ये भी है, फेस रिमूवर भी दिया गया है पूरी तरह से आपके मेकअप को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब हम नाइट में होते हैं मेकअप को क्लीन करके सोते हैं, तो क्लीन करने के लिए हमारे पास रिमूवर भी दिया गया है। मेकअप करने के लिए ब्रश के सेट से एक से आप फेस मेकअप करो, फेस से एक क्रीम लगाओगे उससे जो सेकंड नंबर के है उससे आप आईज मेकअप करोगे, तीसरे से आप लिपस्टिक लगाओगे, आप लिप्स की सेट दोगे, ये सेट से हमारे पास है। ओके थैंक यू। इतने सारे रेंज से हमारे पास मिस्टर ऑफ मिलान में जो आपको अप्लाई करने हैं। ये सारे वीडियो यूट्यूब चैनल किशोर संगीता द वॉरियर पर डाला जाएगा, तो वहां भी जाके आप लोग सीख सकते हैं या अपने प्रोस्पेक्ट को वो वीडियो दिखा के उनको भी समझा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप लोग को मिलता रहे।